से नमन करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को, जो आज कारगिल कारगिल जय दिवस में आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जी हमारे लद्दाख में पूरा इंडियन आर्मी के साथ है। हम उसने देश का प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। आज जो बजट हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने बजट पेश किया है, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बजट किसान का है, ये बजट युवा का है, ये बजट SC ST का है, ये बजट पूरा देश का युवा को आगे लेके जाने के लिए बजट है। ये बजट स्टूडेंट्स का फ्यूचर के लिए 1,25,000 करोड़ अलॉट किया है, आपका स्पेस सेक्टर में 1,000 करोड़ अलॉट किया है, मुद्रा लोन जो 10 लाख थे वो 20 लाख तक किया है। ये बजट जो आदिवासी महिला जिसका घर नहीं है, जो SC ST महिला जिसका घर नहीं है, वो आज सोचती है देश का प्रधानमंत्री हमारा घर भेजेंगे, हम प्रधानमंत्री आवास योजना में वो घर में रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। उसलिए हम ये अर्थमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने बड़ी बजट ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया है। आज 10 लाख करोड़ का अर्बन हाउसिंग का अलॉट किया है। बोलिए, आज इतना दिन हो गया, कोई नहीं सोचा था जो बिलो लेवल प्रॉपर्टी जिसका है उसका मदद करे, लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री का सोच है उन लोग को भी सामने लेके आना, आज लेके आया। आज वुमेन डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ सैंक्शन किया है। आज हमारा हर जगह में डेवलप होता है। सोचते हैं जब बजट होगा तो हमारा ट्रेन चलेगे, हमारा पश्चिम बंगाल से मैं आता हूँ, रविंद्रनाथ का बंगाल का बंगाल से आता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल से आता हूँ। हम लोग भी सोचते हैं जे बंगाल के लिए डेवलपमेंट। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री सोचा है पूर्वोदय योजना, जो बांग्ला बिहार उड़ीसा आसाम सबको डेवलप करने के लिए आज पूर्वोदय योजना को लागू किया है। आज जब देश आगे बढ़ रहा है, कोई नहीं सोचा था ईस्टर्न जोन को आगे बढ़ना चाहिए, वो ईस्टर्न जोन तो हर टाइम आगे बढ़ते हैं लेकिन ईस्टर्न जोन आगे नहीं बढ़ते, लेकिन इस बार बिहार, इस बार झारखंड, पश्चिम बंगाल आज बहुत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी और अर्थमंत्री जी की कृपा से। 89,000 करोड़ आपका इस बजट में पश्चिम बंगाल के लिए अलॉट हुआ है। हमारा तृणमूल कांग्रेस का सांसद मित्र वो बोल रहा था जय मोदी का गारंटी का क्या हुआ, मैं सिर्फ यही बोलेंगे जो काम हुआ है वो काम आप लोग पहले करिए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना पैसे भेजते हैं वो नाम चेंज करके बंगाल आवास योजना कर देते हैं, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फंड भेज दिए वो लोग आप चेंज करके बंगला ग्राम सड़क योजना कर देती है। डेवलपमेंट तो होना चाहिए, हर सांसद सोचते हैं जो हमारा डेवलपमेंट, लेकिन ये जो टाइम आ गया सर, पूरा पश्चिम बंगाल जितने सारे विश्व का बनाना कंट्रीज है, जितने सारे पूरा विश्व में जितना रोहिंगा है उसको इनवाइट कर रहे हैं, इसमें हम लोग अच्छा रहेंगे, इसमें हम लोग अच्छा रहेंगे, आप लोग बोलिए नहीं रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हर दिन पर डे 5,000 से 10,000 रोहिंगा पर डे आ रहा है, और आने के बाद पूरा भारत में सप्लाई हो रहा है, ये देश का खतरा है। हमारे असम का चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी बोला कि पश्चिम बंगाल को देखना चाहिए। सर, चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भतीजे के लिए आप लोग सब छोड़ देंगे तो यह का भारत का गणतंत्र कहां रहेगा? ये हम बोलेंगे जो इसका जितने सारे रोहिंगा आ रहे इसको एस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये पूरा देश का खतरे का बात है। ये देश को जितने सारे बजट करिए, लेकिन पूरा विश्व का ठीका ले लिया पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री,
वो क्या बोल रहे, जो जाके जिसका कोई डिस्टर्ब हो जाए हमारा पश्चिम बंगाल में आ जाओ, हम उसको जागा दे देंगे। ये बात सही है, कैसे बोल रहे हो जो पश्चिम बंगाल का हम जागा दे देंगे। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे वो विरोधी दल पक्ष विरोधी दल नेता हमारे वहां पे उनको भी असेंबली के ऊपर अटैक हो रहे हैं, लेकिन कुछ बोलने वाला है नहीं। मेरा मिनती है मेरा प्रधानमंत्री जी से, मेरा गृह मंत्री जी से मिनती है, ये जो बड़ी बड़ी बात है सांसद कर रहा था सर, दो मिनट भी नहीं हुआ, अब देखिए थोड़ी जो बड़ी बड़ी बात बोल रहा था, टाइम हो गया सर, वो सबसे बड़ा चोर है। दो मिनट खत्म, मैं सबको रिक्वेस्ट करेंगे जी, जितने सारे फंड आप वेस्ट बंगाल में भेजिए उसका पाई टू पाई आपका तदंत होना चाहिए। वो पे इतने सारे घोटाला हो रहे, कोई देखने वाला नहीं, मैं बोलेंगे जो घोटाला हो रहा है ये घोटाला का पीछे कौन है, इसको देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हर दिन हर दिन आपका मर्डर हो रहा है, इसको देखने वाला कौन है, इसको देखना चाहिए। हम बोलेंगे आज जितने सारे अभिषेक बंदोपाध्याय ने बोला है, सुमित्रा जी आप खत्म कीजिए, पार्सल कारण मैंने उसको बोल रहा हूँ सर, एक मिनट में खत्म सर, एक मिनट नहीं सर, दो मिनट सर, मैं उनको बोल रहा हूँ, पहले आपने मिरर से आईना में मुख देखिए। मैं सबको रिक्वेस्ट करेंगे पश्चिम बंगाल का सीएम पूरा देश को खत्म कर देंगे, पूरा देश को खत्म कर देंगे, क्योंकि सुमित्रा जी प्लीज सर एक मिनट सर बोलना चाहिए सर, सर मैंने टाइम ही नहीं मिला। अरे ठीक है सर, वहां पे एक मिनिस्टर सर, वहां पे एक मिनिस्टर मिनिस्टर क्या बोल रहे, हिंदू सब काफिर है। वहां पे फिरा था कि मिनिस्टर बोल रहे हिंदू सब काफिर है, हम लोग काफिर है। वहां पे बोल रहे जो हिंदू है सबको बाहर कर देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे। आज 90 याद करिए, 1990 याद करिए, कश्मीर में जैसे हुआ था आज पश्चिम बंगाल में वही होने वाला है। इसके लिए हम सबको विनती करेंगे, आप एक बोर्ड कमिटी बनाइए, आप एक कमिटी बनाइए, कमिटी बना के पश्चिम बंगाल भेजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल किसी का जागीरदार नहीं है, किसी का एक लाख जमीन नहीं है, हम लोग भी 39% वोट मिला हम लोग को। मैं सर वही बोलेंगे सर, एक मिनट सर, दो मिनट सर, सर मैं जो सबसे बोल रहा था बजट के लिए घोटला घोटला के बात बोलेंगे, मैंने अभिषेक बंदोपाध्याय के बोलेंगे लिप्स एंड बाउंस में जो 100 crores का एटा शो ईडी के साथ वो किसका मालिक है, इसका जवाब देना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। और क्यों सर हम बोलेंगे हर सांसद जा रहे हैं जिसको डिबेट कर दो, कोई डिबेट नहीं चाहते हैं, लेकिन सर नॉर्थ बंगाल में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। रोहिंगा के मालदा मुर्शिदाबाद नॉर्थ 24 घंटा साउथ 24 घंटा खत्म कर दिया सर, हमारे राठ बांग्ला भी कुछ डेवलपमेंट हो रहे टोल रोहिंगा आ रहे। मैं बोलेंगे सर मेरे कुछ डिमांड है, मैं डिमांड करके मैं रख देंगे सर, हमारे बांकुड़ा दुर्गापुर रेल पथ मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ वो हो जाए, हमारा बिष्णुपुर में हमारा जो बांध है वो भी हो जाए, हमारा नया और भी रास्ते है जो हमारा बांकुड़ा टू रानीगंज रेल पथ नया रेल पथ वो भी बन जाए, मेरा रिक्वेस्ट है। और मेरे तृणमूल कांग्रेस को यही बोलेंगे, जैसे एक सीनियर एमपी बार बार बोल रहे हैं, मैं वही बोलेंगे जिन लोग का पहले इन्वेस्टिगेशन करिए, अभिषेक बंदोपाध्याय का इन्वेस्टिगेशन करिए, कितना घोटाला किया है, 5000 crore घोटाला किया है अभिषेक बंदोपाध्याय, इसको अरेस्ट होना चाहिए, मैं मांग करता हूँ, रखता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जी।